नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे ईंट भट्टा खोलने को लेकर बिहार सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की कर दी गई है। ऐसे में हम जानेंगे इस पूरे नई गाइडलाइन के बारे में। बिहार में ईंट भट्टा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गंगा नदी के किनारे नए ईंट भट्टों को खोलने को लेकर जो है नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर दूसरा ईंट भट्टा नहीं खोला जा सकता। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नेशनल हाईवे से भट्टे की दूरी जो है 200 मीटर की होगी, साथ ही साथ फोर लेन से जो है ईंट भट्टों की दूरी जो है 300 मीटर से ज़्यादा रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बिहार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि पुराने ईंट भट्टों को अलग रखने की बात कही गई है, यानी कि जो नया गाइडलाइन है उसमें पुराने ईंट भट्टों को नहीं रखा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन इलाकों में पहले से ईंट भट्टे चल रहे हैं उन्हें तय मानकों को पूरा करना होगा। साथ ही साथ इसको लेकर यह भी कहा गया है कि विभाग की तरफ से इस पूरे यानी कि पूरे नए और पुराने जो दोनों ईंट भट्टे हैं उस पर जो है सख्ती बरती जाएगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इसी साल 22 फरवरी को एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें प्रदूषण परिषद का एक नया आदेश जारी किया गया था। इस दौरान परिषद के सचिव ने कहा कि नए तय मानकों के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि अगर आप नया भट्टा लेना चाहते हैं तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि तय मानक के अनुसार अगर आवेदन नहीं मिलता है तो आवेदन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा, और उसमें जो है सहमति शुल्क जो आप उस समय जब जारी करेंगे सहमति शुल्क उसको भी जो है जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां नदियों के किनारे ईंट भट्टों का निर्माण किया गया है। हालांकि अब इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। पटना जिले की अगर हम बात कर लें तो मनेर से लेकर दानापुर के बीच में सैकड़ों ईंट भट्टे बने हुए हैं जो कि गंगा नदी के सुरक्षा बांध के उत्तर में हैं। इस अब विभाग जो की तरफ से जारी नए अपडेट के अनुसार इन इलाकों में नए भट्टे नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ तौर पर जारी आदेश में यह कह दिया है कि जिन इलाकों में पुराने भट्टे चल रहे हैं उन्हें जो है पर्यावरण के सारे मानकों का पूरा करना होगा, अभी भट्टा आगे चल सकता है। यानी कि एक तरह से कह लें कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है पुराने भट्टों को लेकर उसे जो है उन मानकों को पूरा करना होगा, और नए भट्टों के लिए तो खैर प्रस्ताव जो है वो जारी किया ही गया है। नए भट्टों को खोलने को लेकर जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आबादी यानी कि जहाँ पर घनी आबादी है उससे करीब 800 मीटर की दूरी पर आप भट्टे खोल सकते हैं। वहीं अगर हम वर्तमान के भट्टे की बात कर लें तो कई ऐसे भट्टे हैं जो कि आबादी वाले इलाके में स्थित हैं, ऐसे में इन इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे यानी कि नेशनल हाईवे के आसपास फोर लेन के आसपास जो अगर ईंट भट्टे खोलने की बात जो है वो कही गई है, उसमें जो है एक डिस्टेंस यानी कि 200 मीटर और 300 मीटर बनाने की बात कही गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आबादी और नेशनल हाईवे से अगर भट्टे की दूरी रहेगा तो वायु प्रदूषण के साथ साथ उसकी जो तपिश है यानी कि उसकी जो गर्मी है वो भी लोगों को महसूस नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार ईंट भट्टों में फ्लाई एस के ईंट के बनाने की बात कही है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह बताया गया है कि खेती योग्य जो ज़मीन है उसे बचाना है। यह भी कहा गया है कि ईंट बनाने से खेती योग्य को भूमि है उसके ऊपरी परत कट जाता है, जिससे कि खेती में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही वो कारण है कि जिसके चलते लाल ईंट भट्टों को खोलने के नियमों में पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। बता दें कि अब अगर आप लाल ईंट भट्टों को खोलने का परमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस दौरान फ्लाइस एस के ईंट भट्टों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह कहा गया है कि दो ईंट भट्टों के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आप नदी या फिर अन्य प्राकृतिक जल स्रोत डैम से दूरी 500 मीटर की बना के रखेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आबादी फलदार बाग बगीचे कार्यालय स्कूल कॉलेज अस्पताल न्यायालय से ईंट भट्टे की दूरी 800 मीटर की होनी चाहिए। साथ ही साथ रेल लाइन और नेशनल हाईवे से नए ईंट भट्टों की दूरी 200 मीटर की होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फोर लेन से भट्टों की दूरी जो है 300 मीटर की होगी। एक तरह से कह लें कि ये भी कहा गया है कि ईंट भट्टा का जो निर्माण होगा उसके चिमनी में पोर्ट हॉल का प्लेटफॉर्म जो है वो स्थापित करना होगा, और आपको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास ईंट भट्टों का निर्माण नहीं करना है। तो एक तरह से कह लें नए ईंट भट्टों को लेकर तो गाइडलाइन जारी किया ही गया है, साथ ही साथ पुराने जो ईंट भट्टे हैं उसको लेकर भी एक तरह से कह लें कि सख्ती बरतने की बात बिहार सरकार की तरफ से की गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।